नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को दबंगों ने फौजी के घर पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे की पिटाई से जवान उसके पिता समेत 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दबंगों ने धारदार हथियार से जवान की 2 उंगली काट डाली। बताया जा रहा है कि फौजी के परिवार ने जमीनी विवाद को लेकर 69 बार 112 पर फोन किया था, लेकिन एक बार भी पुलिस उनके दरवाजे पर नहीं पहुंची। परिणाम यह हुआ कि दबंगों के हौसले बुलंद होते गए। इसकी शिकायत भी जवान ने डीएम से की थी। बता दें कि घटना मुसाफिर खाना कोतवाली अंतर्गत दादरा गांव की है। गांव निवासी दीपक मिश्रा सरहद पर देश की रखवाली करते हैं, वह सेना में सूबेदार है। पीड़ित प्रद्युमन मिश्रा ने बताया कि बुधवार सुबह जब और उसका भाई दीपक घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, तो पड़ोस के बाबूलाल चंद्रिका प्रसाद और उसके परिवार वालों ने बांका फरसा आदि लेकर हम लोगों को चारों तरफ से घेर दिया और हमला कर दिया। प्रद्युमन ने बताया कि दबंगों ने दीपक के 2 उंगली काट डाली, हाथ और गले पर भी हमला बोला। बताया जा रहा है कि मंगलवार को थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर डांट फटकार कर बात खत्म कर दी। घटना में सूबेदार दीपक मिश्रा, प्रद्युमन मिश्रा, पिता भागवत मिश्रा, मनीष सुभाष पुष्कर प्रिंस और विपक्षी बाबू घायल हो गए हैं। इन्हें पहले मुसाफिर खाना CSC ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए सुल्तानपुर जिला अस्पताल भेजा। यह गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने दीपक मिश्रा, प्रद्युमन मिश्रा, पिता भागवत मिश्रा को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया है। बताया जा रहा है कि बाबूलाल चंद्रिका प्रसाद दबंग व अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। उन्हें हत्या के आरोप में 7 साल की सजा भी कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। दोनों अभी जमानत पर बाहर है। दबंगाई के दम पर इन्होंने गाटा संख्या 1055, 1056 व गाटा संख्या 1271 का 1271 खा पर शौचालय, मंडप, सरिया, भुसोली आदि का निर्माण किया है। इस मामले में साल 2019 में राजस्व टीम द्वारा जांच में खलिहान पर कब्जा सही पाए जाने पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। उस वक्त दोनों लोगों ने जुर्माना भरा नहीं और भूमि भी खाली नहीं की। सेना के जवान दीपक मिश्रा ने इस संबंध में सोमवार को पिता को लेकर DM से मुलाकात की थी। इन्होंने बताया था कि बाबूलाल हम लोगों का रास्ता बंद कर दिए हैं, आए दिन धमकाते रहते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे सेना के जवान को न्याय मिल सके। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।